हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको गवर्नमेंट आईटीआई पांडुनगर कानपुर में लगने वाले बृहद रोजगार मेले की जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 21 और 22 नवंबर को राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में बृहद रोजगार मेला लगने वाला है, एम्प्लॉयमेंट फेयर लगने वाला है। बहुत सारी कंपनियां पार्टिसिपेट इसमें कर रही हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो का पार्ट फर्स्ट आपको इससे पहले दिया है। पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया था कुछ कंपनियां जो अब ऐड होती जाएंगी, उसको पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, इस प्रकार से सारे पार्ट्स आपको मिलते जाएंगे। तो जो रोज़गार मेला लग रहा है वो 21 और 22 नवंबर को है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कंपनियाँ कुछ कानपुर की हैं, कुछ बाहर की हैं। हीरो मोटो कार्प में भी मैंने आपको वैकेंसी बताई थी कि बच्चों को डायरेक्ट वहाँ पे जाना था। अगर आपको हीरो मोटो कार्प में जॉब करना है तो आप वीडियो का पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। और मैंने कानपुर में भी आपको वैकेंसी बताई थी, जैसे नरूला गेस्ट हाउस हो गया और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ पर अभी जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे थ्रू या डायरेक्ट जा कर गए भी जॉब पा सकते हैं। अभी जो कंपनी आ रही है उसका नाम सनबीम लाइट वेटिंग है। ये कंपनी राजस्थान की है, आप देख पा रहे हैं। इस कंपनी में आईटीआई और डिप्लोमा दोनों ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपनी आपको परमानेंट जॉब प्रोवाइड करेगी। जितने डिप्लोमा ट्रेनीज रहेंगे उनको जो सीटीसी कंपनी प्रोवाइड करेगी 17,205 रुपये रहेगा, और उनको जो इन हैंड मिलेगा वो आपका लगभग 14,000 से 15,000 रुपये रहेगा इन हैंड, मतलब पीएफ ईएसआई सब कटने के बाद। डिप्लोमा में जो ब्रांच मांगा है वो आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया है और आपकी जो ट्रेड है फिटर टर्नर मशीनिस्ट है और इलेक्ट्रीशियन है, तो भी आप इस कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट इस कंपनी में पार्टिसिपेट करेंगे। आईटीआई कैंडिडेट्स को पहले कंपनी अपने यहाँ अप्रेंटिसशिप पर रखेगी। अप्रेंटिसशिप के बाद आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको जॉब पर रखा जाएगा। जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनको अप्रेंटिस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही उनको ऑन रोल जॉब कंपनी प्रोवाइड कर रही है। जैसा मैंने बताया आपको, कंपनी का नाम सनबीम लाइट वेटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। यह कंपनी राजस्थान की है। आप सारा सैलरी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। बेसिक सैलरी 11,000 रुपये शुरू में मिलेगा, चारे 2,500 रुपये रहेगा, बोनस भी आपका 1,400 रुपये है। तो कुल मिला के आपका जो सीटीसी बनेगा वो लगभग मंथ में बनेगा 17,205 रुपये। ईएसआई पीएफ वगैरह सब कंपनी आपको दे रही है। कंपनी में ईएल की सुविधा भी है और सीएल की सुविधा भी है, मतलब अनलीव जो होता है 16 छुट्टियां आपको मिलेगी साल भर में। 7 आपको साल भर में सीएल मिलेगा और 7 आपको सिक लीव मिलेगा अगर बीमार होते हैं उसके लिए रहेगा, पर ईयर के हिसाब से रहेगा। और इसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर फिर से आपको सारी छुट्टियाँ फिर मिलने लगेंगी। ये परमानेंट जॉब रहेगा सनबीम लाइट वेटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का, आप देख पा रहे हैं। कंपनी में कैंटीन फैसिलिटी भी है, सब्सिडी रेट पे आपको खाना भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो जो बच्चे परमानेंट जॉब की तलाश में रहते हैं और उनको चाहिए परमानेंट जॉब, वो बच्चे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं बता दूँ, कंपनी जो है 21 और 22 नवंबर 2023 को सुबह 10 बजे राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर आ रही है। तो मैं डेट फिर से बता दूँ आपको, जो कंपनी कानपुर में आएगी वो 21 और 22 दोनों ही दिन रहेगी। आप ये मत सोचिएगा मैं 22 को आ जाऊँ, आप लोग सभी लोग 21 को आने का प्रयास करिएगा। 21 को सुबह 10 बजे रोज़गार मेला लग रहा है, तो ज़रूर आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो कंपनी आपको दोनों दिन मिलेगी, हो सकता है कि इंटरव्यू या रिटर्न एग्ज़ाम जो भी वो कंपनी लेती हो 21 को करे 22 को करे, तो मौके को आप मत चूकिएगा। अगर आप परमानेंट जॉब वाकई चाहते हो और आप ने डिप्लोमा या अपना आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है, अगर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से है और आईटीआई फिटर मशीनिस्ट और टर्नर से है, तो आप ज़रूर शिरकत करें। इसी प्रकार मैं आपको और वीडियो भी देता रहूँगा, जो जो कंपनियाँ मेरे पास आती रहेंगी उसकी जानकारी मैं आपको इसी चैनल पर देता रहूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमें सुन पा रहे हैं, आपके दोस्त जिन्होंने टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ भी पढ़ाई कर रखा है, आप उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे उनको जॉब की जानकारी समय से हो सके और समय से हुआ पाए। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।